आज हम बनेंगे आलू मेथी की भुजी। आलू मेथी की भुजी बनाना बहुत ही आसान है और आलू मेथी की भुजी खाने में भी स्वादिष्ट होती है। कुछ लोगों को आलू मेथी की भुजी पसंद नहीं आती क्योंकि आलू मेथी में एक कड़वाहटपन होता है। अगर आप इस तरीके से आलू मेथी की भुजी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी उसमें कड़वाहटपन नहीं लगेगा और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ रिया, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियाज फूड बास्केट में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाने हैं हमें आलू मेथी की भुजी। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मेथी ली है जिसको मैंने काट लिया है और 2 बड़े आलू लिए हैं जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आलुओं को इतने ही बड़ा रखना है, इससे छोटे पीसेस में हमें आलू को नहीं कट करना है। अब इनको अच्छे से हम धो लेंगे और फिर हम गैस पे रखते हैं कुकर। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया, कुकर मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डाल लेंगे। तेल मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर जो ये आलू है इनको यहाँ पर हल्का सा फ्राई करना है। ये सभी आलुओं को हम कुकर में डाल देंगे। ये देखिए इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि जो आलू हैं हल्के हल्के से इसमें एक ब्राउन कोटिंग आ जाए। ये देखिए हल्के हल्के इनमें ब्राउन कोटिंग आ चुकी है। ये देखिए इससे ज्यादा हमें आलुओं को और नहीं फ्राई करना है। अब ये सब आलुओं को हम निकाल लेंगे। ये देखिए आ रही है ना इसमें एक हल्की ब्राउन कोटिंग। अब इसी तेल में हम डाल देंगे जीरा। ये देखिए जीरा मेरा भुन चुका है और यहाँ पर मैंने 2 लहसुन की कली ली हैं जिनको मैंने घिस लिया था और ये भुन चुका है। और यहाँ पर अब हमने एक लिया है छोटा प्याज, उसको भी हमने घिस के डाला है यहाँ पर और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला बिल्कुल भून चुका है और यहाँ पर डालेंगे अब 3 हरी मिर्च जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और अब डाल देंगे इसमें आलू। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डालेंगे हल्का सा धनिया। अगर आप धनिया नहीं भी डालते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने डाला है 1/2 चम्मच से कम नमक और हल्की सी इसमें हल्दी है। और यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च और हल्की सी हींग। और अब डाल देंगे हमने ये मेथी जो साफ कर ली है अच्छे से, इसको हमने डाल दिया है इसमें। देखिए अब इसको अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पर अब डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जो ये भुजी बनती है ना इसका जो काफी अच्छा टेस्ट आता है इसमें, आप जरूर डालिएगा। और हल्का सा पानी डालेंगे, पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ पानी उतना ही डालना है कि हम जो इसमें सीटियाँ दें उस सीटियों को लगने के बाद हमारी जो सब्जी है वो नीचे लगे नहीं, सिर्फ इतना ही हमें पानी डालना है। और अब हम इसमें लगाएंगे 2 सीटी। अगर आपको ये तुरंत खोलना है तो आप 3 सीटियाँ लगाएं, अगर आपको थोड़ी देर बाद इसकी गैस यानी कि कुकर का ढक्कन खोलना है तो आप इसमें सिर्फ 2 सीटियाँ लगाकर गैस को बंद करके छोड़ दीजिए। मैंने सिर्फ 2 सीटियाँ लगाई हैं और देखिए ये भुजी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल भी नीचे लगी नहीं है और ना ही इसके अंदर है पानी। देखिए बिल्कुल सूखी आपको कुकर में दिख रहा है, कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा और सब्जी भी मेरी नहीं लगी है नीचे। तो इतना ही हमें पानी डालना है कि पानी एक्स्ट्रा भी ना हो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो भुजी का टेस्ट थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए आ रहा है ना कितना अच्छा कलर भुजी का। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर अब हमने एक प्लेट लगा दी है, प्लेट में हमने रोटी भुजी और ये सिरके वाला अचार जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा मतलब भुजी के साथ काफ़ी अच्छा आता है। और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।